हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, हमारे पास आज बैठे हैं अजय प्रजापति, जो कि इलेक्ट्रिकल के छात्र रहे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक पीलीभीत से। और इन्होंने जो है वो SRF में इस टाइम में अप्रेंटिस कर रहे हैं, और अभी इस साल फिर से जो है SRF में, जब बदायूं से पॉलिटेक्निक कैंपस का आयोजन होने जा रहा है, साथ ही साथ ओपन भर्ती भी निकली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने हमें प्रोवाइड करी, और इनसे ही हम पूछते रहते हैं SRF के बारे में जो भी पूछना रहता है। ये बरेली में ही रहते हैं, और इस समय जब हम ये मीटिंग ले रहे हैं तो ये हमारे घर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन व्यस्तता की वजह से फिर हमने कहा जूम पे ही शूट कर लेते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो इनका सिलेक्शन हुआ था SRF में, तो कौन कौन से क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे, क्या प्रोसीजर था, क्योंकि वो अब इस साल के बच्चों को और आने आगे आने वाले बच्चों को जो अगले साल में इसकी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ये मतलब जरूरी होगा। तो अजय, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपको बुलाने के लिए सर। ठीक, अच्छी बात है। और मैं शुरू में ही बता दूं कि अजय प्रजापति का भी एक चैनल है जो कि स्टडी सक्सेसफुल के नाम से है, जिसमें कि ये बच्चों को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग जो जरूर से विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इनका चैनल। और फिलहाल इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे कि पहले तो हम इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। अजय, थोड़ा सा बता दें आप, क्योंकि एक बार आप हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं, तब ये पर्सनली हमसे मिलने हमारे कॉलेज में आए थे, और वो वीडियो भी सर पड़ा हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई स्टूडेंट मिलने आया था, ये पास में ही थे तो इसलिए मिलने आ गए थे। तो उनके बारे में आप पहले भी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और बता दें कि आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, फिर हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। सर मेरे फादर एक फार्मर हैं और मदर हाउस वाइफ हैं, और मैंने अपना जो डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। और रही बात 10th और 12th की, यूपी बोर्ड या 12th क्लास गवर्नमेंट, वो अपना श्री राम स्वरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज वो सीलीगंज से किया हुआ है। अच्छा, तो अब सीधे सीधे हम बात पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल से आपने जो है वो कर लिया, और ये जी जो सर, SRF का जो कैंपस था वो आपने एक तो बदायूं में हुआ था वो वाला अटेंड किया था, या फिर आपके स्कूल में अलग से कुछ आया था इसके लिए? सर हमारे कॉलेज में इसका अलग से मतलब कैंपस हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद अपना सिलेक्शन प्रोसीजर आगे हुआ था। अच्छा, जो बदायूं वाला कैंपस था उसके बारे में, वो पहले हुआ था या बाद में हुआ था? पहले वो हुआ था, उसके बाद हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी, तो ऐसा हुआ वो था वाला हमारे अटेंड किया स्कूल था, में। बदायूं वाला अटेंड किया था आपने? अच्छा, हमने नहीं किया था, हमारे कॉलेज से कई बच्चे गए थे लेकिन मैं नहीं गया था, ऐसा था उधर। तो कॉलेज में जब वो आया तो ये, अब इसमें सबसे पहले रिटन हुआ ना? जी सर, पहले इसमें क्या होता है, पहले रिटेन एग्जाम होता है, वो लोग रिटेन में छटनी कर देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर वो आता है, उसका इस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले हम रिटर्न के बारे में बात शुरू करते हैं। तो रिटर्न जो हुआ था वो आपका, ये कॉलेज में कंपनी ने आकर के मतलब पर्सनली रिटर्न कंडक्ट कराया था, या फिर ये ऑनलाइन हुआ था? सर इसमें क्या है, उन्होंने एक पेपर भेजा था ऑनलाइन QR कोड के माध्यम से, हमने क्यू सर ने बोला QR कोड के माध्यम से स्कैन कीजिए, हमारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी तो इलेक्ट्रिकल से ही सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आया था, उसमें सारा सारा लगभग 40 क्वेश्चन थे, और 40 में से लगभग 25 आपके ठीक थे तो आपको उन्होंने मतलब हायर कर लिया था, उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने छटनी की, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहा। हमें इन रिटर्न के बारे में ही अभी चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग जानना चाहेंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन मोबाइल पेपर हुआ था, ये आपके मोबाइल पे हुआ था या स्कूल में कंप्यूटर पे हुआ था? पे, मोबाइल पे हुआ था, उन्होंने क्या है QR कोड भेजा था, कॉलेज में बैठ के बैठे थे सब लोग, सर ने बैठाया था, मोबाइल पे QR कोड भेजा और स्कैन करके पूरा का पूरा क्वेश्चन उसमें आ गया, फिर जो ABCD लगाते हुए चले गए, जो सही था उसके अनुसार। हाँ, जी, गूगल फॉर्म की तरह था, सेम गूगल फॉर्म, उन्होंने QR कोड भेजा, उसमें जो क्वेश्चन थे उस तरीके से लगाते चले गए, इस तरीके से हुआ था सर। अच्छा, तो एक तरह से हम इसे CBT नहीं कहेंगे ना?
हाँ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पे होता है, उन्होंने मोबाइल पे स्कैन करके आप बोल सकते हो, ऐसा हुआ था हमारे समय में। तो मतलब जी सर। एग्जाम को देना था तो स्कूल के मतलब कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्हीं के सामने हाँ क्लास में हाँ बैठ गए आप, और एकदम जी से, हाँ एकदम से आया वो क्यूआर कोड, तो इसका मतलब इसमें नकल वगैरह नहीं कर जी सकती थी, है ना। बिल्कुल, नकल वगैरह तो बिल्कुल, सर सामने खड़े थे तो नकल कैसे हो सकती थी, पॉसिबल ही नहीं थी नकल, बहुत इसमें ऐसा था। बिल्कुल टाइम बिल्कुल। भी कम था, मात्र लगभग 20 मिनट का टाइम था कि आपको 20 मिनट में सबमिट करना है, पर 20 मिनट का समय दिया था उन्होंने, तो इस तरीके से हुआ था। अब ये क्वेश्चंस जो आए थे वो कहाँ कहाँ से थे, किस किस एरिया, इलेक्ट्रिकल में किस किस एरिया से थे, कौन कौन सी बुक बच्चे ज्यादा पढ़ते। जैसे सर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हमारे यहाँ से तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ज्यादा क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिकल मशीन से, जैसे ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इससे सारे क्वेश्चन बने थे। पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग कब होता है, ट्रांसफार्मर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, फ्लो चार्ट, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इससे इसी टॉपिक से पूछे गए थे ज्यादातर। जी सर। कुछ क्वेश्चंस याद हैं क्या, एक दो कुछ। जैसे यूनिटी पावर फैक्टर कितना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन, लैगिंग पावर फैक्टर कब ज्यादा होगा कब होगा, इस तरीके से काफी क्वेश्चन थे। स्विच गियर क्या है, सर्किट ब्रेकर, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ज्यादातर, हमारे बैच में ऐसा हुआ था। और इस ये बार वो लोग क्या करें वो तो अलग इलेक्ट्रिकल मशीन ये 5th सेमेस्टर में अलग की बात। चलता है, किसमें चलता है। इलेक्ट्रिकल मशीन सर 5th सेमेस्टर में है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट वो आपका 3rd सेमेस्टर में है। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन। उसमें हाँ मशीन मशीन ही है इंडस्ट्री में, ज्यादातर मशीन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, मशीन ठीक। तो लगभग से ही ज्यादा क्वेश्चन बने। क्लास में कितने बच्चे अपीयर हुए थे इस टेस्ट में। इस टेस्ट में 40 बच्चे मतलब एग्जाम दिए थे, जिसमें से 25 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, और इंटरव्यू के बाद इसमें से छटनी की थी, और लगभग हमारे 11 बच्चे सर टोटल सिलेक्ट हुए थे ज्वाइनिंग के टाइम पर। ठीक। अच्छा, इस रिटर्न का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट सर वही अपना सुबह रिटर्न हुआ, शाम तक रिजल्ट आ गया तुरंत, हैंड टू हैंड शाम तक उन्होंने बता दिया हाँ इन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद तुरंत उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, ऐसा हुआ हमारे समय में। तो इंटरव्यू फिर कैसे हुआ, ये ऑनलाइन हुआ या फिर कैसे। ऑनलाइन ऑनलाइन, जैसे आप और हम सामने बैठे हैं, ऐसे एग्जामिनर था और वो क्वेश्चन पूछ रहा था उससे रिलेटेड, ये तुम्हारी ब्रांच से रिलेटेड, इसी तरीके से इंटरव्यू हुआ था, सेम इस तरफ पक्का एग्जामिनर है, इस तरफ मैं बैठा हूँ मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था सेम। हाँ मतलब कोई लिंक भेजा गया होगा इंटरव्यू के लिए। अच्छा हाँ जी, वो तो सर जो हमारे पीपीयू हैं कपिल सर, उनके पास भेजा गया था, वो उन्होंने भेजा, उनके मोबाइल पे आया था, उन्होंने लगा दिया इस तरीके से, हाँ एक एक करके बच्चे आते जा रहे थे, इंटरव्यू देते जा रहे थे, इस तरीके से हुआ था। अच्छा मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब मोबाइल मोबाइल पे था या ऑफिस के, हाँ मोब। हाँ मोबाइल पे था सर के मोबाइल पे, हाँ ऐसा था। अच्छा, मोबाइल एक जगह रख दिया और एक बच्चा पहला आया और हाँ 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 फिर उन्होंने इंटरव्यू फिर दिया। नंबर वाइज नंबर बुलाते गए, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था नंबर वाइज नंबर बुलाते गए, इस तरीके से हुआ था हमारे। अच्छा, सही है। फिर इसका मतलब कॉलेज के टीचरों का पूरा योगदान रहा इस कैंपस में मतलब। हाँ बिल्कुल सर, बहुत योगदान रहा कॉलेज के टीचरों का भी, इस तरीके से हुआ। और कपिल सर वही है ना जो मैथ्स पढ़ाते हैं, कपिल चौधरी। जी जी सर, मैथ मैथ्स की उनकी बुक भी लिखी हुई है, त्रिपुरी पब्लिकेशन की, वो ही मैथ पढ़ाते थे हमको, अभी भी पढ़ाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू जब हो गया आपका तो उसमें इंटरव्यू में 11 बच्चे सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद ये सब प्रोसीजर कितने टाइम में हुआ, मतलब कहने का मतलब है कौन सा महीना चल रहा था, आप 6th सेमेस्टर में थे, कौन सा महीना चल रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर या जून। सिक्स सेमेस्टर में थे सर हम उस समय, और उस समय लगभग अपना अगस्त अगस्त में हमारी ज्वाइनिंग थी, तो जुलाई जुलाई समथिंग महीना था, इतना ध्यान नहीं है मेरे को, लगभग जुलाई समथिंग महीना था, समथिंग इतना ही, जुलाई या फिर उससे पीछे महीना हो सकता है, इतना तो जून या जुलाई का समय था सर। नहीं तो जुलाई था, इसका मतलब आप पूरा ये सेमेस्टर एग्जाम हो चुके होंगे फाइनल के ना। हाँ हाँ जी सर, उसके बाद फाइनल से एग्जाम से मतलब रिजल्ट से पहले उन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली थी, ऐसा हुआ था हमारे समय।
उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, और भी चीजें फिर हुई थी रिजल्ट आने के बाद। ठीक। तो जी नेट्स सर, नेट्स के थ्रू ही अप्रेंटिस कर रहे हैं आप वहां पे हैं? जी सर, नेट्स पोर्टल के थ्रू ही अप्रेंटिस सारा में कराई जाती है। अच्छा, वहां पे फिर ज्वाइनिंग कितने दिन बाद हुई? कैच गए तो वहां पे क्या हुआ? 1 महीना सर, पूरी 1 मंथ हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग में सब कुछ, स्किल डेवलपमेंट, कैंपस टू कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग, कैसे आपको काम करना है वो सारी, सेफ्टी ट्रेनिंग, पूरे 1 मंथ ट्रेनिंग चली थी। होटल में, एक लग्जरी बहुत बढ़िया होटल था, उसमें ट्रेनिंग हुई थी पूरी। किस जगह पे? अच्छा, वो भरूच में ही सर, भरूच होटल, भरूच में होटल है, उसी में हुई थी। उसी में लैंग रहते रॉड थे? करके होटल है, उसी में रहते थे हाँ उसी होटल पूरे में। टाइम? न रहते नहीं थे उसमें, खाली ट्रेनिंग होती थी, फिर रूम पे चले जाते थे, ऐसा था। रूम अपनी तरफ से लेना पड़ा? तो हाँ, रूम तो अपनी तरफ से लेना पड़ा कितने बच्चे एक रूम में रहते हैं लगभग? था। हम तो सर 5 लोग रहते हैं, 5 लोग हैं हम एक रूम में, बड़ा सा है, पूरा 1 BHK का फ्लैट है, 5 लोग रहते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पर है सर। और कितना रेंट है उसका लगभग? रेंट की बात करें तो सर रेंट तो ज्यादा नहीं है, अभी तो 8,000 का रेंट है जहाँ हम लोग रह रहे हैं इस समय, अभी 8,000 का रेंट है उस मतलब 1,500 पौने 2,000 रुपये पर बच्चा पड़ जाता है, रूम का। हाँ, इतना पड़ जाता है महीने का, इतना रूम का रेंट निकल जाता है। और स्टाइपेंड क्या मिलता है? 20,000 स्टाइपेंड मिलता है फिक्स। अच्छा, कोई PF वगैरह भी नहीं करता होगा आपका, नहीं, PF वगैरह ये कुछ नहीं करता है, क्योंकि अप्रेंटिस पे? सिर्फ सिर्फ अप्रेंटिस का PF वगैरह नहीं करता है। हाँ अच्छा, इसके बाद का भविष्य आपको अभी नहीं पता है? इस बारे में बात हुई थी मेरी आपसे। सर, अभी मीटिंग हुई थी HR वालों की, तो HR वालों ने ऐसा बोला था कि हाँ हम लोग रखेंगे, लेकिन आपके अंदर वो स्किल होगी तभी रखेंगे, आप कितना सीख पाए हो 1 साल के अंदर का, कितना नहीं सीख पाए हो, ऐसा बोला है इन लोगों ने, रखेंगे। तो आगे कह रहे थे एग्जाम वगैरह कराएंगे, ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अभी तो ऐसा बोला है HR वालों ने। हाँ मतलब मेहनत करते रहे जो भी लोग वहां अप्रेंटिस कर रहे हैं, हाँ जी, ऐसा करते बोला है इन लोगों ने। अब रहे। कितना क्या होता है वो तो पता लगेगा, आगे देख पता लगेगा। अच्छा, जो बदायूं में कैंपस, हाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपके साथ के जी बच्चे सर जो बदायूं बोलिए। में कैंपस करने गए थे, उनमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी आपके ही साथ कर रहे हैं अप्रेंटिस, आप ही के बैच में? हाँ, हमारे साथ ही है, अच्छा, हमारे हमारे साथ ही है। हाँ, सबकी ट्रेनिंग एक साथ शुरू हुई थी? ट्रेनिंग एक ही साथ शुरू हुई थी, लेकिन बच्चे 2 फेज में बुलाए गए थे। पहला फेज 4 अगस्त से था, दूसरा फेज 1 सितंबर से था। तो फर्स्ट फेज वाले हम लोग थे 4 अगस्त वाले, हम लोग 4 अगस्त वाले थे, तो हमारा 1 महीना ट्रेनिंग चला था, फिर प्लांट में जाके गए थे, ऐसा हुआ था। फिर जो नए बच्चे आए थे उनकी ज्वाइनिंग लेट से थी, 1 सितंबर से उनकी ज्वाइनिंग थी, तो उनका वो 1 महीना ट्रेनिंग चली, फिर उनको प्लांट में भेजा गया, ऐसा हुआ था। अच्छा, टोटल कितने बच्चे रहे होंगे 4 अगस्त और जो 1 सितंबर से शुरू हुआ? अच्छा, टोटल 350 बच्चे हैं अप्रेंटिस में, 350 बीटेक डिप्लोमा को मिलाकर, MSc और BSc वाले जो केमिकल वाले हैं उनको मिलाकर 350 बच्चे, तो लगभग इतनी ही साढ़े पोस्ट तीन सौ इस बार भी हाँ होंगी? इतनी वैकेंसी, इतनी ही वैकेंसी इस बार। फिर मीटिंग हुई सर की, तो बता रहे थे 350 इस बार हम लोग नई ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, ऐसा मीटिंग में बता रहे थे। ये बात मैंने, जब आपने बताई थी तो हमने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाला भी था, तो क्योंकि यस आप सर, लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं वही पुराने वालों को ज़्यादा अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है करंट में फेस कर रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो हैं गाइड जी करेंगे, लेकिन वो अपना 5-6 साल पीछे तक का बता सकते हैं, तो इसलिए जो बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं इन पदों पर, इन जगहों पर, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से करंट सिनेरियो बता सकते हैं कि क्या चीजें किस तरीके से हो रही हैं। अच्छा अजय, ये बताइए कि मतलब वहां पर जो 20,000 मिलते हैं आपको, क्या खाना खर्चा किस तरह से, क्या वो होता है, क्या बचत होती है क्या, ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बच्चों के मन में क्वेरी रहती है कि बाहर निकलेंगे तो हमारा खर्चा कितने में चल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, बारे हाँ में थोड़ा सा जी, जानते। सर अभी सर बात करें, हम लोगों का स्टाइपेंड 20,000 है, तो इसमें 1,500 कमने का निकल जाता है, फिर
एक 1,000 रुपया हम लोग खाना को खाना के निकाल देते हैं, तो लगभग मान लीजिए 4,000 रुपया हमारा ऐसा ही निकल जाता है। 4,000, 16,000 तो बच ही जाते हैं ऐसे अच्छा मोटा मोटी देखा जाए, तो 4,000 रुपया निकल जाता है ऐसा मान लीजिए हैं। तो अभी तक 16,000 पड़ जाते हैं, 16, 16.5 इस तरीके से बच जाते हैं 1 मंथ के। अच्छा और दूसरी बात, ये खाना किस तरह से होता है? 1,000 रुपये कहाँ निकाल देते हैं आप? क्या जमा करते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं? सब्जी सब हाँ, एक ऐसा है सर, हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है कि एक बंदे को रुपए दे दिए हैं, 1,000 रुपए जमा कर देते हैं, तो सब्जी वगैरह वो ही लाता है सब कुछ, उसी में से महीने की सब्जी आती है, फिर अगले महीने को फिर उसमें जमा कर देते हैं, ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है हमारे रूम पे, इस तरीके से प्लानिंग बनाई है लोगों ने, ये तो शाम का खाना हुआ, ऐसा है। हाँ शाम का हुआ, रात का हुआ, और दोपहर का? शाम को ही बनाते हैं, दोपहर में कंपनी वाले खुद देते हैं, दोपहर में मिलता है, सुबह में नाश्ता मिलता है, वो सब मिलता है सुबह में। वो सुबह फ्री में ऑफ नाश्ता कॉस्ट में है? लेकर फ्री जाते ही ऑफ कॉस्ट है ये उसका सब? चार्ज कटता है, नहीं सर उसका चार्ज कटता है 200, 400 रुपए, जैसा आप खाओगे वैसा कटता है। 200 रुपए भी कटता था पहले, जैसा खाओगे 400 भी कटता है इस नाश्ते में क्या मिल जाता है जैसे? तरीके से। नाश्ते में तो सर गुजराती है सब कुछ, पोहा है, बड़ा पाव है, वहां की चीजें हैं, ये अपने यूपी में ऐसी चीज नहीं, मैंने भी नहीं खाई थी पहली बार मैं गया था, नई से नई चीजें मिली खाने को, पोहा, बड़ा पाव और भी कई चीजें थी, सुनते आधे तो मीठा, मुझे अच्छा अभी भी नाम याद नहीं है। मीठा होता है क्या आपको? थोड़ा मीठा मतलब टेक्सचर लिए हुए खाना होता है क्या? गुजराती खाना है, सुनते हैं ऐसा। हाँ मीठा भी, मीठा 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 मिलता है खाने के साथ, लेकिन हमें ज्यादा पसंद नहीं है तो हम उसको नहीं लेते हैं। दोपहर में खाना खाने जाओ तो मीठा भी देते हैं, मीठी दाल होती है, मीठी मीठी दाल होती है वहां पर, कई चीजें ज्यादातर मीठी ही चीजें हैं। नमकीन खाओगे, नमकीन भी मीठी है उसमें, इस तरीके से है ज्यादातर, अच्छा काफी चीजें मीठी है वहां पर। और शाम का खाना? शुरू शुरू में कहते तो हमें खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था, अब तो आदत पड़ गई है, शुरू शुरू में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अच्छा। वहां बिल्कुल जाओ ना, नया माहौल है, एकदम से नया माहौल है, वो चीजें हल करके सीख जाते हैं, खाना अच्छा तो अपना आप सब सीख गए। शाम को तो फिर आप अपना स्पाइसी ही बनाते होंगे खाना? हाँ शाम को तो अपना बनाते हैं रूम पे, दोपहर में नाश्ता, दोपहर में डिनर मिल जाता है, और अपना मॉर्निंग में नाश्ता मिल जाता है, अच्छा शाम का खाना फिर इस बनाता कौन है? तरीके। मतलब ड्यूटी लगी हुई है या क्या? नहीं सर जनरल शिफ्ट है सब लोगों की, जनरल शिफ्ट है, तो प्लानिंग बना लेते हैं, हाँ 2 दिन तुम बनाओगे, 2 दिन तुम, इस तरीके से हम लोग बात लिया है कि 2 दिन तुम लोग बना देना, इस तरीके 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ऐसा रहता है हम लोगों का, जिससे किसी पे प्रॉपर काम नहीं पड़ता, जिससे ऐसा रहता है कि हाँ तुम सही काम में लगे हुए हो, दो दो करके एक के पास टाइम मिल जाता है, वो पढ़ाई कर लेगा, इस तरीके से बनाया है हम लोगों ने। हाँ साथ साथ में और भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे? अच्छा सर अभी ELP का फॉर्म निकला है, तो उसके लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है, उसमें हम लोगों ने फॉर्म डाला, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं इसमें। तो अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है वो अपना कीमती समय है निकाला, और होली की छुट्टी में ये घर आए हुए थे तो इसलिए इनके पास पर्याप्त समय था। जी जी सर, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा जो डिप्लोमा कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी बचती है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम और अजय मिलकर के कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें, या फिर आप इनके चैनल पर भी जाकर के इनसे पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में। और बाकी फिर अगर आपने, आप अभी पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।